हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन को देखा, करंट गेन अल्फा बीटा और गामा देखा, अल्फा और बीटा में रिलेशन भी हमने देखा। अब बीजेटी में अगला टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वह है बायसिंग ऑफ बीजेटी। तो बायसिंग बेसिकली क्या होता है, हमने आपको बताया था डायोड जो हमने पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था कि बायसिंग का वैसे जो मेन मीनिंग जो इसकी होती है वो होती किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को बैटरी से कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है, बायसिंग कहलाता है। तो अगर बीजेटी के रेफरेंस में इसको हम देखें तो बीजेटी में हमने आपको बताया था कि इसमें कुल तीन लेयर होती हैं और दो जंक्शन होते हैं। एक जंक्शन ये होता है, ये इमिटर होता है, ये बेस होता है और एक कलेक्टर। और एक जंक्शन ये होता है, इसको बोलते हैं इमिटर बेस जंक्शन और इसको बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। तो बीजेटी में अगर हम बात कर रहे हैं बायसिंग की, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों जंक्शन पे हम वोल्टेज को लगा रहे हैं। तो यही जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं हम बायसिंग ऑफ बीजेटी। अब इन दोनों जंक्शन पे वोल्टेज को लगाने के चार मेथड होते हैं। पहला होता है इसमें फिक्स्ड बायस, दूसरा होता है एमिटर बायस, तीसरा होता है वोल्टेज डिवाइडर बायस और चौथा होता है कलेक्टर टू बेस बायस। तो ये चारों मेथड होते हैं बायसिंग करने के। अब होता क्या है कि ये इन दोनों जंक्शन पे अलग अलग वोल्टेज लगा करके अलग अलग एप्लीकेशन में हम ट्रांजिस्टर को अप्लाई करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये चार मेथड हम पढ़ेंगे और साथ में एक टर्म इसमें आता है ऑपरेटिंग पॉइंट, तो उसके बारे में जान लेते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है। ऑपरेटिंग पॉइंट को बोलते हैं क्यूसीएन पॉइंट या क्यू पॉइंट। ये टर्म बार बार यूज होता है और इन बायसिंग के एनालिसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्यू पॉइंट को देखते हैं क्या होता है। अगर हमने बायसिंग कर दिया है बीजेटी के, बायसिंग कर दिया है मतलब कि इस जंक्शन पे और इस दोनों जंक्शन पे हमने वोल्टेज को लगा दिया है और उस केस में हमने क्या किया है, कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं लगाया है। इनपुट सिग्नल मतलब कि जो एसी सिग्नल एम्पलीफाई होने के लिए हम लगाते हैं वो अभी हमने नहीं लगाया है, केवल बायसिंग कर दिया है। उस केस में जो कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज होगा बीसीई और साथ में जो कलेक्टर करंट आईसी फ्लो करती है, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो यही बन जाता है हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट बीसीई और आईसी। ये टर्म बार बार आएगा क्योंकि इसमें क्या करेंगे, हम सर्किट का एनालिसिस करेंगे बायसिंग में, तो ये टर्म बार बार में यूज होगा और इसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं हम फिक्स्ड बायस सर्किट। ये फिक्स्ड बायस का सर्किट डायग्राम है, इसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस आरसी कलेक्टर रेजिस्टेंस बेस रेजिस्टेंस। इसमें करंट आईसी कलेक्टर करंट फ्लो करेगी, इसमें बेस करंट और ये बेस टू इमिटर वोल्टेज VBE है और साथ में यहाँ कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज VCE है। अब क्या करते हैं, इस सर्किट का एनालिसिस करने के लिए हम KVL लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं और वो लगाते हैं दो सेक्शन इसमें होते हैं इस सर्किट में। एक तो होता है ये सेक्शन, इसको बोलते हैं हम इनपुट सेक्शन और दूसरा होता है हमारा ये सेक्शन जिसको बोलते हैं हम आउटपुट सेक्शन। तो पहले हम इनपुट सेक्शन पर लगाएंगे KVL को। तो इनपुट सेक्शन में ये वाला पोर्शन आएगा, तो इसको देखते हैं हम VCC माइनस IB इंटू आर बी माइनस ये वोल्टेज ड्रॉप वी बी ई इक्वल टू जीरो। ये हो गई इक्वेशन नंबर वन, ये होगा हमारा इनपुट सेक्शन पे KVL। अब लगाएंगे आउटपुट सेक्शन इस सेक्शन पे KVL, इसमें क्या हो जाएगा वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी माइनस वी सी ई इक्वल टू जीरो। ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। और तीसरी क्वेश्चन हमें पता है आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। अब इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम इस सर्किट का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस मतलब इसमें आई बी निकाल सकते हैं, आई सी निकाल सकते हैं, वी सी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा होता है फिक्स्ड बायस सर्किट। तो इस लेक्चर में हमने देखा फिक्स्ड बायस सर्किट।